ऑल राइट एवरीबॉडी, नेक्स्ट डे और कल हम हो गए टकले बीच वाली फील के लिए, क्योंकि आज जहाँ पे जा रहे हैं ना वो है आइलैंड। तो ऐसा घूमेंगे कुछ, आप लोगों को दिखा देते हैं जिसको देख देख के मैं बोर नहीं हुआ हूँ। ये वाला व्यू, अभी अच्छी लाइट आ गई है, एकदम सूरज चमक रहा है, नीचे उस तरफ पे बीच है, तो जाके एक ड्रोन शॉट लिया जाएगा। तो अभी उठे हैं, 9 बजे हैं सुबह के। ऐसे ट्रिप में क्या होता है ना, क्योंकि बैक टू बैक इतना सारा देखना है, इतना घूमना है, व्लॉग बनाना है, कंटेंट बनाना है, तो उठते ही एकदम एक्शन चालू हो जाता है। अभी हम 9 बजे, नींद नहीं खुली, रात को सोते सोते लेट हो गए, सुबह नींद नहीं खुली, और जैसी नींद खुली 9 बजे भागो, 10 बजे ब्रेकफास्ट लास्ट है, उसके बाद 12 बजे चेकआउट है, उससे पहले ड्रोन शॉट भी लेना है, पैकिंग करना है, आज जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे प्लानिंग करना है, बहुत सारी चीजें। ओके गाइस, ये है ब्रेकफास्ट का सीन पूरा ना। तो मैं तो चख रहा हूँ जो भी मेरे को समझ आ रहा है। ये देखो मैंने बढ़िया बढ़िया खूबसूरत से टीम समझी रिंगजिन को, रहा फिर से रिस्की की क्या दिया जाए क्या नहीं। तो ये बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखो मस्त एकदम मज़ा। मलेशिया में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। वेजिटेबल फ्राइड राइस तो सुना था, लेकिन वेजिटेरियन मटन करी बंदे दो प्लेट ही जाए, पूरा 100% वेज, पूरा 100% वेज, मिक्स ऑफ वेज एंड नॉन वेज। पैकिंग डन गाइस, इस खूबसूरत होटल को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है, और हम यहाँ से ले जा रहे हैं ये खूबसूरत सुविनियर, क्यूट लिटिल मैस्कॉट, जिसको हम बहुत सारी जगहें हमारे साथ साथ घुमाने वाले आने वाले दिनों में। इस खूबसूरत व्यू को एक फाइनल गुड बाय। हम आज आइलैंड में जा रहे हैं, लंकावी आइलैंड है एक, वहाँ पे आज और कल 2 दिन रुकने वाले हैं। आज एक बहुत लंबी फेरी राइड होने वाली है, कोशिश रहेगी हमारी मोटरसाइकिल को भी ले जाए, लेकिन कुछ जगह पे पड़ा हमने कल रात को कि एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है ऑनलाइन, और हमें ऑनलाइन मिल नहीं रही, शायद आई डोंट नो सोल्ड आउट हो गया है क्या सीन। तो वहीं जाके देखेंगे कि बची हैं टिकट्स या नहीं, अगर नहीं बची तो फिर हम मोटरसाइकिल को मेन आइलैंड में पार्क करके फेरी खुद पकड़ेंगे, नहीं तो हम मोटरसाइकिल भी ले जाएंगे 2 दिन उस आइलैंड में, फिर वापस इधर ही जॉर्ज टाउन पेनांग, और ट्रिप कंटिन्यूज। चल चुके हैं, चेकआउट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और ये देखो क्या खड़ा है हमारे सामने, हमारी खूबसूरत मोटरसाइकिल रेडी फॉर अस। तो जी पहुंच गए हैं हम लंकावी, और यहाँ से हमने टिकट ले ली है। सो सिर्फ ये है, 2 people cost us 70, सो 70 means 1400। तो अभी रुके हैं कुछ खाने के लिए, मलेशियन पैनकेक्स, अंदर पीनट का पेस्ट है पूरा डला हुआ, बाहर ये कैसा है रिंगजिन, ब्रेकफास्ट जैसा टेस्टी है। हमने हमारी मोटरसाइकिल पार्क कर दी है वाला केडा पे, अब ये 2 दिन यहाँ पे मज़े करेगी, और हम लंकावी में मज़े करेंगे। तो यहाँ पे सही है, पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बजट में ही है, 10 रिंगेस पर नाइट, जो कि काफ़ी सही है मेरे ख्याल से, 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से, और पूरी रात के लिए, तो हमने 2 दिन के लिए करिए तो 20 लगा हमारा। ये हम जेटी एरिया में बैठे हैं जहाँ पे, जहाँ से हमें लंकावी के लिए वो मिलेगी फेरी, और ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इमिग्रेशन सेटअप है पूरा का पूरा, मतलब वो देखो इस तरफ पे, फिर इधर पे, तो ये शायद हम ऐसे करके क्रॉस करेंगे, जो आए हैं वो डायरेक्ट सीधा बाईपास इधर, और जो हम जाने वाले हैं हम शायद इधर से, अभी फिलहाल नो एंट्री है। जितने भी लोग आ रहे हैं ना सबके बैग फुल एकदम भरे हुए हैं, क्योंकि जो लंकावी है वो पूरा का पूरा आइलैंड है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है, और वो पूरा आइलैंड जो है वो ड्यूटी फ्री आइलैंड है,
भाई साहब जैसे एयरपोर्ट होता है ना ड्यूटी फ्री नो टैक्सीज, तो सामान खरीदो भर भर के, मुझे लग रहा है सब शॉपिंग करके आए हैं। खैर हमारा इतना ज़्यादा प्लान नहीं है कुछ खरीदने का, हाँ लेकिन मेरे को DJI का एक ड्रोन लेना है, तो अगर वो वहाँ पे मिल गया और ड्यूटी फ्री में सस्ता हो गया सर वाई ना। बता दरवाजे को मल्ले में क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में आप? पिंटू। ए अभी बताया मैंने तेरे को, ये देखो भाई डोर इज पिंटू। ओके गाइस पहुंच गए हैं हमारा लंका भी, द व्लॉग एंड्स हियर, बाय। आपको पूरा हम लेके जाएंगे, हम जहाँ पे रुक रहे हैं वहाँ तक लेके जाएंगे। मस्त लग रहा है यार, काफी बड़ा आइलैंड है और खूबसूरत है ऑफ कोर्स, फुल लिख के अलग है ना। और देखो और सब यहाँ एक्शन चल रहा है, बोट बोट ये वो, एयरपोर्ट वाला फील नहीं आ रहा। हाँ एग्जैक्टली पूरा वही है, मतलब इमिग्रेशन टाइप का और एयरपोर्ट नई जगह पे आ गए जैसे। ऑलराइट एवरीबॉडी, कल पहुँचते पहुँचते फिर से लेट हो गए, सो आई थॉट कि मॉर्निंग में ही ब्लॉग को एंड किया जाएगा। ये है हमारा लोकेशन जहाँ पे हम लोग रुके हैं लंगावी में। मैक्सिमम जो है ऑफ बीट Airbnbs हैं, तो हमने भी एक Airbnb बुक किया था, काफ़ी कूल सा स्पॉट है, ऐसे हट्स टाइप बने हुए हैं, डुप्लेक्स डुप्लेक्स सेटअप। सो ये है जो हमारा वाला है, अभी एक ड्रोन शॉट भी लिया है, उसमें भी बढ़िया आप लोगों को फुटेज दिखा देंगे। एग्जैक्टली उस तरफ पे जो है पूरा समुंदर है, तो समुंदर के एकदम पास आज जहाँ पे हम जाने वाले हैं ना, वो बहुत ही एपिक लोकेशन है। हम लोग रुकने वाले हैं एक तरीके से एक फ्लोटिंग पूरा सेटअप है, टेंट्स बुक किए हैं वहाँ पे हमने, और एक स्टैंड अप पैडल बोर्ड वाला एक्सपीरियंस है जो कि हमें मैंग्रोव दिखाएगा, केव्स हैं वो दिखाएगा, पानी के बीच में से हम निकलते हुए पर ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। एनीवे अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग भी बना देता हूँ, व्लॉग का एंड भी कर देता हूँ। ये है हमारा पूरा सेटअप, ठीक है। यहाँ से हम अंदर गए, रूम का एक क्विक दर्शन दे देता हूँ, इसके ऊपर मैं ब्लॉग पोस्ट डेफिनेटली लिखूंगा, तो उसमें सारी नीटी ग्रिटी डिटेल्स जो है आपको मिल जाएंगी। ये है एक हैंगर कपड़ों के लिए, एसी वगैरह बढ़िया लगा हुआ है। ये हो गया हमारा पूरा बेडरूम, नाइस एंड इजी, नाइस एंड कोजी सेटअप, बहुत ही प्यारा जैसा सा बना हुआ है। वी हैव अ किचन एज वेल इफ़ यू वांट टू कुक फूड, अदरवाइज ये कॉफ़ी वगैरह का छोटा सा इंतजाम है, एक फ्रिज है यहाँ पे, पीछे का एरिया, और इस तरफ पे वी हैव वॉशरूम। रिंगसन इज टेकिंग शावर एट द मोमेंट, सो वी वॉन्ट बी शोइंग द वॉशरूम, ओह दिखा सकते हैं, ये है छोटा सा वॉशरूम एरिया। सो दैट्स ऑल इन टुडेज व्लॉग एवरीबॉडी, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारा एक्शन होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही ऑफ बीट और बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे जाके रुकने वाले हैं। Finn and me, signing off. See you in the next vlog. Bye.